हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग मेरा पहला मोटो ब्लॉग है। मैंने कैमरा सेटअप कर लिया है और एंगल चेक कर रहा हूँ कि कैमरा सही एंगल पे लगा है कि नहीं लगा है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ श्रीनगर को। श्रीनगर करीब यहाँ से 12 किलोमीटर है। अपने लिए कुछ सामान लाना है, तो चलिए दोस्तों मेरे साथ राइड का मज़ा लीजिए। और मेरा ये पहला मोटो ब्लॉग है, देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा कैमरे के लिए। दोस्तों आज मेरे 20 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और करीब लगभग 900-950 के करीब का करीब व्यूज आ चुके हैं मेरे पूरे चैनल पे। लेकिन अभी वॉच टाइम ज़्यादा नहीं है। मैं भी मोटो ब्लॉगिंग अपने पॉइंट शूट कैमरा से कर रहा हूँ, सोनी साइबर शॉट से। लेकिन यह एक्शन कैमरा नहीं है, तो देखते हैं यह किस प्रकार से एक्शन कैमरे का रोल निभा सकता है। मैंने एक दिन पहले फ़ोन पे फ़ोन माउंट किया था हेलमेट पे, लेकिन फ़ोन से कुछ खास अच्छी वीडियो नहीं बन पाई। उसका वाइड एंगल भी कम था और उसमें जैसे गाड़ी में जंप आ रहे तो उसमें ज़्यादा मोशन दिखाई दे रहा था। दोस्तों आप अभी सनसेट देख सकते हैं। अभी मैं श्रीनगर से सामान लेके आ चुका हूँ और उसके बाद घर जा रहा हूँ। अभी तेज हवा चल रही है। तो मेरा पहला मोटो ब्लॉग है, देखते हैं कैसे रहता है। अभी थोड़ा कैमरे का एंगल ढंग से नहीं हो पाया है, देखते हैं क्या होता है। अभी दोस्तों मैं जिस रोड पे गाड़ी बाइक चला रहा हूँ उस रोड पे लोग इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, गाड़ी सीखने के लिए आते हैं। Thank you.
वो जो टॉप दिखाई दे रहा है वो है चंद्रवदनी टेंपल, जहां हम पहले जा चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां से वो टॉप। आपको मेरा चंद्रवदनी का ब्लॉग ऊपर आई लिंक में मिल जाएगा। दोस्तों जो हमारे पहाड़ों की लेडीज़ हैं वो दिन भर काम करके अभी घर जा रही हैं। देखिए पहाड़ों में जीवन बहुत टफ है, यहाँ की लेडीज जो हैं दिन भर काम करती रहती हैं। दोस्तों आप सनसेट का व्यू देख सकते हैं, क्षितिज पूरा लाल हो चुका है, अभी आधा घंटे बाद करीब अंधेरा हो जाएगा। मेरी गाड़ी 300 किलोमीटर चल चुकी है, 3100 किलोमीटर, और इसके बाद करीब 900 किलोमीटर और चलेगी। उसके बाद इस गाड़ी की तीसरी सर्विस कराऊंगा मैं। अभी कंपनी की फ्री सर्विस चल रही है, सिर्फ उसमें हमें इंजन ऑयल के पैसे देने पड़ते हैं। मुझे अभी पता नहीं है कि वीडियो में साउंड क्वालिटी कैसे रहती है, क्योंकि इस वाले कैमरे पे एक्सटर्नल माइक का कोई सपोर्ट नहीं है। इसका जो इंटरनल माइक है इससे ही आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और हवा की नॉइज़ भी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस कैमरे से आवाज़ उतनी अच्छी रिकॉर्ड हो पाएगी। फिर भी अभी स्टार्टिंग में जितना है बहुत है। ये देखिए दोस्तों गाड़ी सीखने वाले अभी। ये वाली रोड सुनसान रोड है, तभी यहाँ लोग गाड़ी सीखने आते हैं, शाम को इवनिंग वॉक पे आते हैं। लेकिन सुबह और दिन के टाइम इस रोड पे कोई नहीं चलता, बहुत कम लोग चलते हैं। गाड़ी की यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मुझे पता नहीं ब्लॉग कैसे बना होगा, बाद में पता चलेगा। ठीक है फिर चलते हैं।